आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं। इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 12वीं क्लास के नतीजे 99.7% आए हैं, नंबर वन। दूसरी बात, इस साल दिल्ली में 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, हमने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस शुरू की, बच्चों को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हमने बिजनेस करना सिखाया। विजय जी, हम दिल्ली में 11वीं और 12वीं के हर बच्चे को दिल्ली सरकार की तरफ से 2000 रुपए देते हैं और हम उसको कहते हैं बिजनेस करो, इस 2000 रुपए से कुछ बिजनेस करो। तो वो बच्चा अकेला भी कर सकता है, टीम भी बना सकता है। तो मान लीजिए 5 बच्चों ने टीम बनाई तो 5 बच्चों के 10000 रुपए हो गए। 5 बच्चों की टीम ने एक ड्रिंक बनाई, उसका नाम रखा मिस्टिक डेट्स। वो कॉफी की तरह है लेकिन उसमें कैफीन नहीं है, न्यूट्रिशियस ड्रिंक है, आयरन है उसमें काफी, कैल्शियम है उसमें। मिस्टिक डेट्स करके एक ड्रिंक बनाई, 5 बच्चों ने मिलके 10000 रुपए इकट्ठे हुए, 6 महीने के अंदर इन बच्चों ने 2.5 लाख रुपए कमा लिए 10000 रुपए। फिर जब इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से अपनी बात रखी तो 17,35,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इनको मिल गया इन बड़े बड़े उद्योगपति। 8 बच्चे इकट्ठे हुए, 16,000 रुपए इनके थे, इन्होंने कंपोस्ट बनाया, नई किस्म का कंपोस्ट खाद, और 10 महीने के अंदर इन्होंने 65,000 रुपए कमा लिए बेच के। ये बच्चे बेचते हैं माल, इंटरनेट पे जाते हैं, अपनी वेबसाइट वगैरह बना लेते हैं, माल बेचते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, खुद ही करते रहते हैं। और इस उद्योगपतियों 16 लाख रुपए इन लोगों को उद्योगपतियों से इन्वेस्टमेंट। 6 बच्चे उन्होंने गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया, 6 बच्चे मतलब 12,000 रुपए। इस 12,000 रुपए से ये 6 महीने में 1.5 लाख रुपए का माल बेच चुके हैं अपना, और इनको 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए, ये बच्चे जब कल डिग्री करके निकलेंगे तो ये नौकरी नहीं ढूंढ रहे होंगे, इनके पास ऑलरेडी बिजनेस आइडिया है, बिजनेस करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। बहुत बड़ी बात है, बदलाव जरूरी है।